This video is brought to you by Keep Tutors. अब आपको किसी भी preparation के लिए individual या group tuition की ज़रूरत हो, Keep Tutors will make an arrangement for you within 24 hours. Conversely, if you want to be recruited as a tutor, reach out to the students in need. Keep Tutors is the right platform for you. For more information, visit the website or call on the given number. आयशा, उठो, जल्दी तुम्हारी दोस्त की call है. Hello, Assalamu Alaikum. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से जो लोग मुझे इस वीडियो से पहले के फॉलो कर रहे हैं उन्हें अब तक थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मेरी वीडियोस का खासा हिस्सा जिंदगी के मामूली अनासिर पर मबनी होता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, लोगों के मामूली से रवैयों और आदात में पोशीदा मिजा की अकासी और मामूली जिंदगी के नतीजे में बनने वाली यादों से लुत्फ पैदा करने में मुझे मजा आता है। हमारी जिंदगी के ऐसे जितने भी हसीन तजर्बात हैं, ख्वाह वो माजी से मुंसलिक हो या हमारे आज से, इनमें से कई हसीन यादें और तजर्बात तो वो हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे भाइयों और बहनों के साथ हमारी बचपन की यादों से बनता है। तो आज की वीडियो इन हसीन हस्तियों के नाम। शरम, ओ शरम, उठो बेटा, नहाने जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। अम्मा, पहले दानिश को उठा देना, मैं बाद में नहाऊंगा। ओ कोई नहीं भाई, तुम्हें पहले उठाया, तुम जाओ नहाने। क्या तमाशा है, तुम दोनों निकलो बिस्तर से। अम्मा, मेरी सॉक्स कहाँ गई? जूतों में देखो बेटा। अम्मा नहीं है, मैंने खुद रखी थी। ठीक से देखो बेटा, जूतों में ही होंगी। मेरी जुराबे तुमने तो नहीं पहन ली? नहीं भाई, मेरी जुराबे क्या हो गया, दिखाओ जरा। ओ भाई उतारो, मेरी जुराबें ये। अब अगर बात हो रही है भाई बहनों की, तो शायद बचपन में हमें इत्तफाक की मिसालें कम और झगड़े और मुकाबले की मिसालें ज्यादा मिलेंगी। यार मैच लगाना जरा। नहीं भाई, अभी मैं देख रहा हूँ। रिमोट दे, इधर मेरे पास था। भाई क्या हो गया, मैंने लगाया था टीवी। ओ भाई बात सुन मेरी, टीवी मैंने लगाया था पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं बाथरूम चला गया था, बाद में तुम आके बैठे हो। दानिश आ रहा हूँ। जी क्या शोर मचा रखा है? कुछ नहीं। अच्छा ये लो पैसे, जाकर रोटियां ले आओ, तंदूर बंद हो जाएगा फिर रोटी नहीं मिलेगी। ये लो, मामा कह रही है रोटियां ले आओ। झूठ कम बोलो, तुम्हें कहा है? ओ भाई मुझे नहीं कहा। अम्मा आपने रोटियों का दानिश को कहा है या मुझे कहा है? अरे कोई भी ले आए, जल्दी करो। भाई मैं नहीं ला रहा, सुबह भी गया था मैं। भाई तुम्हें कहा है, तुम जाओ ना। क्या तमाशा लगा रखा है, मैं जाऊँ फिर? अम्मा ये क्या बात हुई, आपने उसे कहा था? जबान मत चलाओ। आप मुझे डांटती रहती, उसे कुछ भी नहीं कहती। मुंह अपना बंद रखो वरना एक आएगी उल्टे हाथ की। अम्मा उसे देखे, वो हंस रहा है ना। बचपन में भाई बहनों में से किसी एक को अम्मा की कुट पड़ी होती तो बाकी सब में वाह वाह दहशत फैल जाती थी और सभी को अपनी अपनी खैरियत के लाले पड़ जाते। बचपन में भाई बहनों ने आपस में एक दूसरे की शिकायत लगाने का भी कोई ना कोई असूल बनाया होता था, और अगर अगला शिकायत का कोई मौका दे दे तो उसे शिकायत की धमकी की बिना पर इस्तेमाल भी किया जाता। ओए शरम, कल तुमने मेरी शिकायत क्यों लगाई थी? मैंने नहीं लगाई थी, वो तो बाबा को मामा ने बता दिया था। हाँ तो मामा को किसने बताया था? मैंने। बेटा मैं भी तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि तुम स्कूल में गालियाँ देते हो। अच्छा अच्छा सॉरी, प्लीज ये ना बताओ। एक शर्त पे। क्या? अपने पेंट्स मुझे दे दो, तुम पुराने वाले ले लो। पागल है क्या, नए वाले चाहिए। नहीं भाई वो तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है ना दो, मैं शिकायत लगा दूंगा। ठीक है लगा दो शिकायत, मैं भी बता दूंगा बाबा को कालीन पर रिंग तुमने गिराई थी। नहीं भाई तुम नहीं लगा सकते शिकायत, वो मैं लगा सकता हूँ, तुम तो पहले एक लगा चुके हो। बचपन में टीचर्स आपकी शिकायत आपके बड़े भाई बहनों को लगा देते थे, ये बड़ा बैड सीन था। इस एतबार से आपके स्कूल में आपका अकेले पढ़ना बजाय इसके कि आपके साथ आपके भाई बहन भी वहाँ पढ़ते हो, एक तरह से खुश नसीबी है। मामा, अम्मी, अम्मा बोलो। ये पेन मैं ले लूं? हाँ हाँ ले लो। भाई ये मेरा पेन है, बाबा से मैंने पहले ही मांग लिया था। भाई क्या हो गया, मेरा पेन है ये? ओहो लड़ो मत, दानिश मैं तुम्हें नया पेन दिला दूंगी। क्यों, मुझे भी दिलाएंगी ना फिर? है तो सही तुम्हारे पास एक पेन। ये क्या बात हुई, आप उसे दिला रही है, मुझे भी दिलाए ना। वैसे अल्लाह माफ करे लेकिन बचपन में एक गुनाह तो हम सभी ने किया है, भाई बहन में से अगर कोई नमाज पढ़ो तो उसे हंसा कर उसकी नमाज खराब करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह जब अगला सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो हंसाने की कोशिश करना। इतनी ड्रामेबाज़ है, साफ पता लग रहा है एक्टिंग कर रही है।
आंखें रही इसकी। हंस गई, ड्रामेबाज, उठ जाओ उठ जाओ। भाई क्या है, सोने दो ना। वैसे लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर केसेस में घर के सबसे बड़े सिबलिंग पर पढ़ाई और करियर दोनों ही का सबसे ज्यादा प्रेशर डलता है, और अक्सर डांटे भी सबसे बड़े सिबलिंग को सबसे ज्यादा पड़ती हैं, और इसी के बरक्स सबसे छोटा अक्सर सबसे लाडला और सबसे बिगड़ा हुआ होता है। और बीच वाला मिडिल चाइल्ड बेचारे का तो मिस सीन है। शबाना यार मुझे भी दो ना यार। मैं नहीं तेरी, थोड़े सी हैं। यार दे दो ना। अच्छा थोड़े से दे दो, फिर एक सीक्रेट बताऊंगा पक्का। कौन सा सीक्रेट? पहले चिप्स दो फिर बताऊंगा। ये लो, अब बताओ। यार वो तुम्हें ना हमने अडॉप्ट किया था, कचरे से उठाया था तुम्हें हमने, हमें तरस आ गया था तुम पे। क्या है भोंगा इंसान, झूठ क्यों बोला था तुमने, कोई सीक्रेट बात नहीं थी, फजूल इंसान। सॉरी यार। अच्छा वो एक बात बताओ, ये जब मेहमान आते हो तो इतना एक्शन क्यों मारती हो? क्या मतलब, कौन सा एक्शन? ऐसी रहा करो ना सबके सामने, चीख चीख के बात किया करो, बाकियों के सामने तो ऐसे बन रही होती जैसे इससे तमीजदार कोई है नहीं। हैं? क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा वो क्या था, फर्क पकड़ा आती? सीधा सीधा नहीं कह सकती थी, कांटा चाहिए। उफ जाहिल इंसान, उठो जाओ यहाँ से। अब अगेन लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर जिन घरों में एक से जायद बहनें होती हैं तो उनमें से एक बहन तो ऐसी जरूर होती है जो बगैर पूछे अगली बहन के कपड़े जूते और मेकअप वगैरह यूज करे, और उसकी इस हरकत पे आए दिन बहस और टकराव चलता रहा। इन बहनों में से एक को सूट खरीदना हो तो अगली को भी सूट खरीदना होगा, अगली को जूते चाहिए होंगे तो पहली वाली को भी जूते चाहिए होंगे। और एक बात और, मुझे ये नहीं समझ आती कि बड़े भाई बहनों को ये क्यों लगता है कि उनसे छोटे भाई बहन उनके गुलाम है। शरम यार पानी ला दो। शरम ये चार्जर पकड़ा देना। शरम ये रिमोट देना। शरम वहाँ से एक पेन ला दो। शरम मोबाइल ला दो। शरम मेरी नाक से मक्खी उड़ा दो। बस भाई बहनों के साथ हंसना खेलना लड़ना रोना हम सभी की यादों का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लड़ते नाराज होते और मनाते भी उन्हीं लोगों को हैं कि जिनसे हमारी कुर्बत होती है। लेकिन एक बात जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई बहनों से बचपन में नाराजगी के खास मायने नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आपस की नाराजगी हमारे ताल्लुकात के लिए मनफी साबित होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह वक्त के साथ साथ हमारे अंदर पैदा होने वाली हमारी अना है। तो याद रखो दोस्तों, जिंदगी बेशक बहुत मुख्तसर है, लिहाजा भाई बहनों के मामले में अना और नाराजगी से काम लेना महज ना समझिए, और मेरे ख्याल से वालदैन के लिए सबसे बड़ी अजियत भी। इसी एहसास के साथ आज के लिए शहरम को इजाजत दें। डू सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन, लिंक मैंने हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।